हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। 10th क्लास का ये टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है। और आगे चल के जब आप 11th में बात करेंगे तो 11th में आपके पास एक टॉपिक आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज 11th का मेन टॉपिक है, उसमें तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। एनसीईआरटी में वो सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से है और वहाँ आपको तीन टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अंदर एक एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आपका आएगा जीपी एंड थर्ड टॉपिक आएगा सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज तो एपी बेसिकली हमारा 10th के साथ साथ 11th का भी टॉपिक है, जीपी हमारा 11th का टॉपिक है और स्पेशल सीरीज भी हमारा 11th का टॉपिक है। मैंने जीपी के कुछ वीडियोस 11th क्लास के लिए पहले अपलोड किए हुए हैं। तो आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, इसका जो 11th का टॉपिक है वो अर्थमेटिक मीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसको कि मैं यहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे आपको लिंक इनका भेज दूंगा, तो आप ध्यान से समझें। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान टॉपिक है और 11th में पूरा का पूरा रिपीट है। तो अगर आप 10th में से प्रॉपरली कर लेते हैं तो 11th में ये चैप्टर आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोग्रेशन है क्या। ठीक, प्रोग्रेशन है क्या? देखिए, अगर हम प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेस से वर्ड बना प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेस का मतलब होता है बढ़ना आगे की तरफ। यहाँ ये प्रोग्रेस जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ जो हम बात करेंगे टर्म्स की, जो टर्म्स हमारे जनरेट होंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो प्रोग्रेशन के साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि सीक्वेंस एंड सीरीज, मैंने बोला अर्थमेटिक इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज को हम पहले डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज है क्या चीज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस है क्या। तो सीक्वेंस इज बेसिकली ए पैटर्न। सीक्वेंस इज बेसिकली ए पैटर्न। पैटर्न के बारे में सारे बच्चों को पता है। पैटर्न एक वो वर्ड है जिसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी दुनिया को अरेंज किया गया है। पैटर्न, हर चीज एक पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हम सॉइल की बात करें, अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, तो सारी की सारी चीज़ें एक पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज की गई हैं। तो सीक्वेंस इज नथिंग एल्स, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ अरेंजिंग। सीक्वेंस इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजिंग रियल नंबर्स। फिलहाल हम यहाँ रियल नंबर्स लिख लेते हैं, बाद में इसमें आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजिंग रियल नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल। कोई किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर को अरेंज करें तो वो आपकी सीक्वेंस कहलाएगी। देखिए, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, पहले आप इसको समझ लें। मैंने आपको बता दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। ऑन सीक्वेंस सीरीज में हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे एपी, उसके बाद जीपी, उसके बाद सम स्पेशल सीरीज। जीपी और स्पेशल सीरीज आपका 11th का टॉपिक है और एपी हमारा 10th का है, और 11th में भी एपी को पढ़ना है आपको। तो आप पहले, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको प्रोग्रेशन पता करना है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? बढ़ते चले जाना, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे हमारा यहाँ एज सच कोई लेने देना नहीं है। प्रोग्रेशन से पहले फिर मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस के बारे में कि व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज अ वे, इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजिंग नंबर्स और रियल नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल, राइट। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से कहानी जल्दी क्लियर हो। देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा 1, 4, 7, 10, 13 और मैंने आगे दो ब्लैंक छोड़ दिए। फिर सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा 1
कॉमा टू, कॉमा फोर, कॉमा सेवन, कॉमा इलेवन, कॉमा सिक्सटीन और डैश दो मैंने ब्लैंक फिर से यहाँ छोड़े। तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा बच्चों वन, फिर फोर, फिर नाइन, फिर सिक्सटीन, फिर ट्वेंटी फाइव, फिर मैंने यहाँ पर दो ब्लैंक छोड़ दिए। फोर्थ एग्जांपल लिखा मैंने वन, फिर एट, फिर ट्वेंटी सेवन, फिर सिक्सटी फोर, फिर वन ट्वेंटी फाइव, फिर मैंने दो ब्लैंक यहाँ छोड़ दिए। पांचवा एग्जांपल मैंने और लिखा वन कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री, उसके बाद कॉमा फाइव, उसके बाद कॉमा एट, उसके बाद कॉमा थर्टीन, और फिर से मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल छोड़ दिए। अब आपके पास ये मैंने सीक्वेंस के पांच एग्जांपल लिखे, तो मैंने बोला आपसे सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजिंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल। अगर आप यहाँ ध्यान दें, ध्यान से देखें नंबर्स को, तो आप देख रहे हैं कि हर दो जो सक्सीडिंग नंबर हैं, तो पहले नंबर में मैं अगर प्लस थ्री करूँगा तो आई विल गेट फोर, फिर यहाँ प्लस थ्री करूँगा तो आई विल गेट सेवन, फिर मैं यहाँ प्लस थ्री करूँगा तो आई विल गेट टेन, फिर मैं यहाँ प्लस थ्री करूँगा तो आई विल गेट थर्टीन, फिर मैं यहाँ प्लस थ्री करूँगा तो आई विल गेट सिक्सटीन, फिर मैं यहाँ प्लस थ्री करूँगा तो आई विल गेट नाइनटीन। जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमने क्या किया प्लस वन, यहाँ हमने क्या किया प्लस टू, यहाँ हमने क्या किया प्लस थ्री, यहाँ हमने क्या किया प्लस फोर, यहाँ हमने क्या किया प्लस फाइव, तो यहाँ हम क्या करेंगे प्लस सिक्स। तो जब आपने प्लस सिक्स किया तो कितना आया ट्वेंटी टू, फिर यहाँ आपने प्लस किया सेवन, तो ट्वेंटी टू प्लस सेवन कितना हो गया बच्चों ट्वेंटी नाइन। अब आप यहाँ की बात करें तो आप ये देख रहे हैं इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ वन, इट इज अ स्क्वायर ऑफ टू, इट इज अ स्क्वायर ऑफ थ्री, इट इज अ स्क्वायर ऑफ फोर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ फाइव, तो यहाँ सिक्स का स्क्वायर कितना होगा थर्टी सिक्स, यहाँ स्क्वायर कितना होगा 49। तो मैं समझता हूँ कि ये एग्जांपल भी सारे बच्चों को समझ में आ गया कि ये आपके नेचुरल नंबर के क्यूब्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो 5 के बाद 6 का क्यूब होगा इट विल बी 216, एंड देन 3 का जो क्यूब होगा इट विल बी व्हाट 343। तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आ रही होगी कि सीक्वेंस है क्या। देखिए यहाँ रूल क्या चला कि हमने पहले जो अगला जो नंबर है उसमें पहले नंबर को हम 3 ऐड कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आप जब सक्सीडिंग नंबर में से प्रिसीडिंग नंबर को माइनस कर रहे हो। देखिए आपने में 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 आया, फिर 7 में से 4 को माइनस किया तो 3 आया, फिर 10 में से 7 को माइनस किया फिर 3 आया, फिर 13 में से 10 को माइनस किया फिर 3 आया। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है 3 3 3 3। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि जो डिफरेंस है वो कॉमन है, जो डिफरेंस है वो क्या है कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस कॉमन है कितना 3। तो शॉर्ट में हमने इसको बोल दिया CD, या कॉमन डिफरेंस को हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया 3 से D से। तो यहां हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ हम बात करें तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि सक्सीडिंग नंबर पहले 1 प्लस किया फिर 2 प्लस किया फिर 3 प्लस किया फिर 4 प्लस किया, तो ये भी कोई एक रूल है, यहाँ एक स्क्वायर हो रहा है ये भी कोई रूल है, यहाँ क्यूब हो रहा है ये भी कोई रूल है। और इस सीरीज पे अगर हम ध्यान दें, देखिए मैंने इस पर स्टार लगा दिए हैं, इस सीरीज पर अगर हम ध्यान दें तो आप देख रहे हो कि पहले दो नंबर को ऐड करके 1 2 आ रहा है, फिर इससे पहले इन दो को मैं ऐड कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, फिर मैं इन दो को ऐड करूंगा तो 3 आएगा, ध्यान से देखें, फिर मैं इन दो को ऐड करूंगा तो 5 आएगा, फिर मैं इन दो को ऐड करूंगा तो 8 आएगा, फिर मैं इन दो को ऐड करूंगा तो 13 आएगा। तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं फिबोनाके, स्पेलिंग देख लेना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना, फिबोनाके सीरीज, फिबोनाके सीक्वेंस, या फिबोनाके सीक्वेंस की हम बात करें तो वो ये सीक्वेंस है फिबोनाकी
प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लें आप, फिबोनाची, FIBONACCI, फिबोनाची सीक्वेंस। तो व्हाट इज फिबोनाची सीक्वेंस? कि हमें जो अगला टर्म जनरेट करना है तो उसमें पहले दो टर्म आपके ध्यान रखना है कि पहला टर्म यहाँ पर वन है, पहले दो टर्म यहाँ पर सेम है, इसके बाद हमने इन दोनों को ऐड किया तो टू आया, फिर इन दो को ऐड किया तो थ्री आया, फिर इन दो को ऐड किया तो फाइव आया। तो ये सीक्वेंस आपकी फिबोनाची सीक्वेंस कहलाएगी, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीक्वेंस है क्या। तो सीक्वेंस इज बेसिकली ए वे ऑफ अरेंजिंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल, या इट इज़ अ पैटर्न ऑफ अरेंजिंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल। और वो नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स में यहाँ पे ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ये रैशनल भी हो सकते हैं, ये रैशनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस के बाद आती है बात सीरीज की, कि अगर हम सीरीज की बात करें तो हमने करना क्या है सीरीज में, कि अगर हम इन नंबर्स के बीच में जो आपके नंबर्स लिखे हुए हैं इनके बीच में अगर हम ये साइन यहाँ से जो कॉमा लगा हुआ था उसके बीच में अगर हम 1+4+7+10+13 कर दें, तो जब वो सीक्वेंस के अंदर हम कॉमा हटा के प्लस माइनस को रिप्लेस कर देंगे तो वही सीक्वेंस आपकी सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो सीक्वेंस एक्सप्लेन करने के बाद मैंने आपको सीरीज के बारे में समझा दिया है। अब हम बात करेंगे कि एपी क्या है। तो सीक्वेंस के बाद एपी की बात चल रही है, तो व्हाट इज एन एपी? तो मैंने आपको बताया अभी इसी एग्जांपल की मैंने बात की कि यहाँ पर हमने क्या किया, जब हम अगले टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द सेम कॉमन डिफरेंस। अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, सपोज करिए यहाँ मैंने लिखा 4, फिर मैंने यहाँ लिखा 5, फिर मैंने यहाँ लिखा 14, फिर मैंने यहाँ लिखा 19, फिर मैंने यहाँ लिखा 24। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 9 में से मैं 4 को माइनस करूँगा तो 5 आएगा, 14 में से मैं 9 को माइनस करूंगा तो 5 आएगा, 19 में से मैं 14 को माइनस करूंगा तो 5 आएगा। तो अगर हम अगले टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द सेम डिफरेंस। सेम डिफरेंस का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करने पर सेम कॉन्स्टेंट मिले, सेम डिफरेंस मिले, तो हम उस सीक्वेंस को आज के बाद एपी बोलेंगे। मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, सपोज करिए मैंने यहां लिखा -3, फिर मैंने लिखा -6, फिर मैंने लिखा -9, फिर मैंने लिखा -12। तो देखिए मैं कर क्या रहा हूं, सक्सीडिंग अगले टर्म में से पहले टर्म को माइनस, तो मैं -6 में से माइनस करूंगा -3, तो सब बच्चों को पता है इट विल बी -6+3, दिस विल बी इक्वल टू -3। फिर मैंने -9 में से माइनस किया माइनस का 6, तो इट विल बी व्हाट -9+6, तो इट इज -3। तो आप जब अगले टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर रहे हैं हर बार एक सेम डिफरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम एपी बोलेंगे। तो ये सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप बोलेंगे arithmetic progression is a sequence in which the difference between two consecutive terms remains constant. तो ये AP का example, ये AP है, ये AP है और ये AP है। तो arithmetic progression in short will be represented by AP. तो जब भी हम आगे बात करेंगे तो हम arithmetic progression ना बोल के AP की बात करेंगे, right? इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर और details में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अरेंजिंग नंबर्स इन अ फिक्स्ड पैटर्न इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन कांस्टेंट, दैट विल बी नोन एज द एपी। तो जो पहला टर्म होगा हमारे पास, देखिए 1, 4, 7, 10, 13, तो ये हमारे पास अगर हम बात करें इनकी पोजिशन की, तो ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो अगर आप इसको मान लें तो ये पहला टर्म है ए, फिर हमने इसमें जो कॉमन डिफरेंस था डी वो कितना ऐड किया था 3, तो इसका सेकंड टर्म कितना आएगा ए प्लस डी, फिर इसका अगला टर्म कितना आएगा ए प्लस 2D, फिर अगला टर्म कितना आएगा ए प्लस 3D, फिर अगला टर्म कितना आएगा ए प्लस 4D। तो इस तरीके से टर्म बढ़ते चले जाएंगे और ये आपके किसी भी एपी के जनरल टर्म्स कहलाएंगे।
पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म में आप देख रहे हैं ए प्लस डी आ रहा है, थर्ड टर्म में देख रहे हैं ए प्लस टू डी आ रहा है, फोर्थ टर्म में देख रहे हैं ए प्लस थ्री डी आ रहा है, फिफ्थ टर्म में देख रहे हैं ए प्लस फोर डी आ रहा है। तो मैं अगर आपसे बोलूँगा इलेवेंथ टर्म कितना होगा, तो सभी बच्चे समझ रहे हैं ए प्लस इलेवन, सॉरी इलेवेंथ टर्म ए प्लस टेन डी होगा। मैं और आगे चला, मैंने बोला इसी सीक्वेंस का पंद्रहवां टर्म बताओ, तो सभी बच्चे समझ रहे हैं पंद्रहवां टर्म ए प्लस फोर्टीन डी होगा। मैं और आगे चला, मैंने कहा इसी एपी का 45th टर्म बताओ, तो आप क्या लिखेंगे a प्लस 44d, 45th टर्म के लिए a प्लस 44d। इसी तरीके से हम आगे चलते चले गए। अब मैंने कहा टर्म तो अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर में जाएगा, तो मैंने पूछा इसी ap का आप nth टर्म बताइए, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जब सेकेंड टर्म a प्लस d है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, इलेवेंथ टर्म a प्लस 10d है, 15th टर्म a प्लस 14d है, 45th टर्म a प्लस 44d है, तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1d होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैंने आपको यहां समझाई कि nth टर्म ऑफ ap विल बी व्हाट, तो nth टर्म ऑफ ap विल बी a प्लस n माइनस 1d। मेरी बात यहां सब बच्चों को समझ में आ रही होगी कि मैं बच्चों को क्या समझाना चाह रहा हूं कि हाउ यू विल ऑब्टेंड The nth term of an AP, कि किसी भी AP का nth term आप कैसे निकालेंगे। तो please note down this formula कि if you have to find out the nth term of an AP, nth term of an AP will be given by an is equals to a plus n minus 1d. Where a is the first term, d is the common difference, n is the, बताया मैंने अभी भी आपको, नंबर ऑफ टर्म, एंड ए एन क्या पढ़ेंगे इसको हम, एनथ टर्म, द टर्म दैट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट। हियर प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द रिजल्ट। The nth term of a AP will be given by an is equals to a plus n minus 1d. इस रिजल्ट को लिख लें, ठीक, और इसी a n को हम लेटर लास्ट टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही a n आपका l का काम करेगा जब आपके पास AP फाइनाइट होगी। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि उस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं आपके वो फिक्स होंगे। तो ये एपी के मैंने आपको बेसिक कहानी समझा दी है, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द बिगनिंग मैंने समझा दिया आपको। इसके बाद मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल समझाता हूँ, उसे ध्यान से समझें आप, ठीक। देखिए ध्यान से, सपोज करिए मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया और क्वेश्चन लिखा आपका सेवन कॉमा थर्टीन कॉमा नाइनटीन और डैश 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 205। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, आपको ये दिख रहा है कि इस एपी को हमने 7 से शुरू किया और लास्ट में एपी खत्म हुई है, और आपसे पूछा गया है आपको ये बताना है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, आपको इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो इसके हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सभी बच्चों को पता है कि आपको पहला टर्म जो होता है वो फर्स्ट टर्म जो होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। 13 में से 7 को माइनस करें 6, 19 में से 13 को माइनस करें 6, तो AP निश्चित तौर पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है।
अब आपको डी की वैल्यू मालूम है कि डी कितना है आपका 6, और मैंने बताया अभी अभी कि nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ पे आपका जो an होगा वो कितना है 205, और आपको बताना क्या है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो आपके पास ap का nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी है 205, a की वैल्यू कितनी है 7, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 6। नाउ इट्स ऑन यू कि आप इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो 205 में से 7 माइनस करूँगा मैं, तो आई थिंक सो 198 विल लेफ्ट। 198 इज इक्वल्स टू व्हाट, n माइनस 1 इनटू 6, 6 से मैं यहाँ डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो जब मैं 6 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 6 3 18 और 6 3 18, तो देयर फोर एन विल बी वॉट 34th टर्म, राइट। तो जो मैथमेटिशियन जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया उनका नाम तो मुझे याद नहीं है कि, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब वो क्लास में बैठे हुए थे तो उनको यहाँ पनिशमेंट दिया गया और उनको बोला गया कि आप 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स को काउंट करें। शायद से उनका नाम गौश के नाम से है, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है। तो वहाँ उन्होंने क्लास में बैठे बैठे इस कॉन्सेप्ट को जनरेट किया कि 1 + 2 + 3 + 100 इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू काउंट। तो वहाँ उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, और बाकायदा पूरे कॉन्सेप्ट को अपने टीचर को एक्सप्लेन किया, तभी से ये टॉपिक की शुरुआत हुई और इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दिया गया। तो ये पहला एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। मैथमेटिशियन का नेम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, और विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस नाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल 2, 18, 15 होल नंबर 1/2, 13 एंड लास्ट माइनस का 47। देखिए यहाँ भी आपको ये बताना है कि इस एपी में कितने टर्म होंगे। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है ए कितना है 18। अगर हम डी की बात करें तो डी निकालने के लिए हमको सक्सीडिंग टर्म में से प्रिसीडिंग टर्म को माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हुआ 15 × 30, 31/2 माइनस 18। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 31 − 18 × 36/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, माइनस का 5/2। इसके बाद आपको ए एन दे रखा है कितना, माइनस का 47। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। एक चीज़ और, आप यहाँ क्वेश्चन में देखें तो आपके पास 4 वेरिएबल हैं। एक आपके पास ए एन है, एक ए है, एक एन है और एक डी है। तो इन 4 में से आपको 3 की वैल्यू गिवन होगी। हियर वी आर हैविंग 4 वेरिएबल्स एंड वी हैव गिवन एनी 3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द 4th। तो ए एन की वैल्यू आपके पास है माइनस का 47, ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है 18 है, प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2। 18 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो इट विल बी माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इनटू माइनस का 5/2। अब 7 और 8 15, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये हो गया माइनस का 65, एन माइनस 1 इनटू माइनस का 5/2। माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, 5 से ये कैंसिल हुआ 13 टाइम्स। अब आप यहाँ देखें इसको, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी व्हाट 26 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो देयरफॉर जो एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 27। तो एक एग्जांपल मैंने आपको और एक्सप्लेन किया। तो यहाँ आपको ये फाइनाइट एपी गिवन थी और यहाँ आपको फाइंड आउट करने थे कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। अब मैं आपको इसी के साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं, अब आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर आपको एपी गिवन थी,
अब आपको एपी ना देके कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे होंगे, वहां से आपको स्टेटमेंट को यूज करके इक्वेशंस फॉर्म करनी है। देखिए टाइप टू क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। टाइप टू, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73 एंड 16th टर्म इज 63। यहां ध्यान से समझें, 63 नहीं है ये, 73 दे रखा है आपको। ध्यान से समझें सारे बच्चे, फाइंड द 31st टर्म। अब आप यहां देख रहे हैं कि आपको एपी गिवन नहीं है, बस इतना पता है कि किसी एपी का 31st टर्म निकालना है जबकि 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है। तो मैंने आपको बताया कि एपी का जो जनरल टर्म है वो an is equals to a plus n minus 1 d है। अब इसी एपी का आपको 11th टर्म, 11th, तो a 11 आपको गिवन है। कितना गिवन है? 38। A11 कितना गिवन है? 38। और सभी को मालूम है कि मैं n की जगह यहां 11 रखूंगा तो इट विल बी व्हाट, a प्लस 10 d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। 16th टर्म कितना है इसी AP का? 16th टर्म दे रखा है आपको 73, तो 16th टर्म का मतलब कितना हुआ? a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। तो हेयर वी आर हैविंग टू लीनियर इक्वेशंस, ए और डी के टर्म्स में दो इक्वेशन आपके पास हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन इज मच बेटर, हमने इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखा, ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू व्हाट, 73। अब माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, 10 माइनस 15 हुआ, माइनस का 5d, और 38 में से 73 गया, यानी कि 73 माइनस 38 तो 13 माइनस 8 हो गया 5, और 6 में से 3 गया तो 3, तो ये हो गया माइनस का 35। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो d की वैल्यू आई है वो 7 आई है, d की वैल्यू 7 निकल कर आई है। अब आप d की वैल्यू या तो इसी इक्वेशन में रखें या इसी इक्वेशन में रखें, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से इसको सॉल्व किया फ्रॉम फर्स्ट, तो a प्लस 10 इंटू डी कितना है, 7 इज इक्व टू 38, तो a इज इक्व टू हो गया आपका 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 कितना होगा बच्चों, इट विल बी वॉट, 10 माइनस 8 2, और इट विल बी माइनस का 32। तो आपके पास अब उस AP के जो 11th टर्म और 16th टर्म गिवन है, वहाँ आपको उस AP का फर्स्ट टर्म मिल चुका है और उसी AP का कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। अब आपको निकालना है क्या है, इसी एपी का आपको कौन सा टर्म चाहिए, 31st टर्म। तो अगर हम 31st टर्म की बात करें तो a 31 विल बी व्हाट, a प्लस 30d, तो a की वैल्यू आपके पास माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 7। तो बच्चों ये कितना हो गया, माइनस 32 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 7, तो 30 into 7, यहां देख लीजिए या आप यहां देख लीजिएगा प्लीज, तो 30 into 7 हो गया 210 में से 32 गया, तो 210 में से 32 हमने माइनस किया तो 10 में से 2 गया तो 8, और 10 में से 3 गया तो 7, तो आंसर कितना आ गया, 178। तो जो 31st टर्म होगा क्वेश्चन का, इट विल बी व्हाट, 178। प्लीज पॉज द वीडियो एंड लुक आफ्टर द सॉल्यूशन विद फुल अटेंशन। आज मैं सारे क्वेश्चंस आपसे nth टर्म की बात कर रहा हूं, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन AP।
तो एंड टर्म्स का सम निकालने की बात हम कल करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी एपी के nth टर्म को निकालना है या उसके नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं या कोई टर्म फाइंड करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है, इसी पर बेस्ड आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। मैं आपको अभी एक दो सॉल्यूशंस और करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बहुत आसान टॉपिक है, टाइप टू में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आप देखिए, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म। इफ द फिफ्थ टर्म इज 32, फाइंड द एपी। बोर्ड का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन, और ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, नाइन्थ टर्म तो A9 सभी को मालूम है ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म A2। A9 बहुत समझा चुका हूं मैं आपको, A9 का मतलब सबको मालूम है, अब कितना लिखना है A+8D, और A2 का मतलब हो गया A+D। तो यहां हमने इसको सॉल्व किया तो A+8D इज इक्वल टू 6A+6D। तो मैं A को इधर शिफ्ट करूंगा, D को इधर शिफ्ट करूंगा, तो 8D में से 6D गया तो कितना बचा 2D, और 6A में से A गया तो कितना बचा 5A। तो यहां से D की वैल्यू कितनी मिली आपको 5A/2, या आप चाहें तो A की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 2D/5। अब आपको क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका फिफ्थ टर्म दे रखा है 32, फिफ्थ टर्म आपको गिवन है 32। अभी सारे बच्चे समझ रहे हैं कि A5 को बेटा हम क्या लिखेंगे, A+4D, ये हो गया 32। A की वैल्यू चाहे तो आप लिख सकते हैं या चाहे तो आप D की वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, D की वैल्यू मैंने यहां से लिख दी 5A/2, तो 2 से मैंने इसको कैंसिल किया 2 times, तो ये हो गया 32, और 5 2 10 11A = 32, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 32/11। तो A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 32/11, ठीक है, और D की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने जो क्वेश्चन बुक से लिखा था वहाँ पर 22 था, इसलिए बुक से आंसर मैच नहीं है, और D की वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा, तो मेरे को D की वैल्यू निकालनी है, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 5 into A, तो 32/11/2, तो ये हो गया 2 से कैंसिल हुआ आपका 16, तो 16 5 = 80/11। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, जैसे था वैसे लिख दिया है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस डाटा के अकॉर्डिंग है, लेकिन बुक में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 22 दे रखा है। तो मैं 22 की बात करूँ तो यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ 22 आएगा, और यहाँ भी 22 होगा, यहाँ भी 22 होगा, ये बुक से मैं लिख के लिख रहा हूँ, और A की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी, वहाँ से भी AP बन सकती थी लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी AP बनती है और आपको वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता। अब मैं A की वैल्यू यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दूँ तो ये हो गया 5 into 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5। और मैंने आपको बताया भी अभी कि जो AP का फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म A+D, तो कितना हो गया 7, थर्ड टर्म A+2D, तो
ए प्लस टू डी फिर से आपको 5 ऐड करना है तो कितना हो गया 12, फिर आपको 5 ऐड करना है कितना 17, तो इस तरीके से आपकी रिक्वायर्ड एपी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज आप सबसे पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी से अटेम्प्ट करें। आज हमने nth टर्म ऑफ एपी की बात की है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द सम ऑफ n टर्म्स द एपी। और वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।